कुर्ग में पूरे दिन घूमने के बाद भी कैंपिंग का कुछ जुगाड़ नहीं हो पाया, कुछ रहने का इंतज़ाम नहीं हो पाया, हम लोग आगे चले गए जहाँ पे रहने का ही कुछ इंतज़ाम हो जाए, और हमारा साथ किस्मत ने दिया। और पूरा डार्क है सामने, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा। हम लोग कभी कभी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग नहीं होगा तो कुछ साइड में जो जगह है कहीं पे, तो वहाँ पे ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो मैं इस जगह पे मैं भी रुकूँगा। फाइनली ट्राई करने के बाद मुझे मिल गया रहने के लिए जगह, और एक बहुत ही अच्छे अन्ना मिल गए जो उन्होंने हम लोगों को अलाउ कर दिया है यहाँ पे टेंट लगाने के लिए। बहुत ही सही मोमेंट है, अभी मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे टेंट के लिए जगह, एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि शायद जगह मिलेगा ही नहीं, बट इन्होंने अलाउ कर दिया और हम लोग यहाँ पे टेंट लगाएंगे और रुकेंगे यहाँ पे। तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, होप रखिए और कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाएगा। ये पहला एक्सपीरियंस है रोड के साइड में मैं टेंट लगा रहा हूँ, और थैंक यू इन ढाबे वाले को जिन्होंने मुझे परमिशन दिया यहाँ पे टेंट लगाने के लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अभी मैं सोने जा रहा हूँ, थोड़ा गर्मी लग रहा है बट रात को यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है तो ठंड लगेगा, और मिलता हूँ मैं सुबह में। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं सुबह में। मॉर्निंग, हमारा अच्छा सा एक होम स्टे से भी बढ़िया हो गया, हम लोगों ने टेंट इधर लगाया था। सराउंडिंग जो है बहुत ही खूबसूरत है, और मॉर्निंग हो चुका है, बहुत ही प्यारा वाला सही है। तो ब्रेकफास्ट भी करेंगे, और नहीं हुआ तो ब्रेकफास्ट वहाँ पे करेंगे जहाँ पे जिन्होंने हम लोगों को रुकने का जगह दिया था, क्योंकि वो बहुत ही सही आदमी है। और साथ ही मैं एक वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ जहाँ पे आप कहीं भी जाके अगर कैंप करना है तो वहाँ के कैंप के डिटेल दे दूँगा, और वहाँ पे आप कैंप कर सकते हैं। तो मैं ट्राई यही कर रहा हूँ कि एक वेबसाइट सेटअप करने का, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, बट ये बेस्ट जगह है। हम लोग मंडल पट्टी वाले एरिया में ड्राइविंग का लुत्फ ले रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत आसपास का व्यू है, और यहाँ पे ड्राइविंग करना एक अलग ही अनुभव है, और काफ़ी डेंजर भी है बट बहुत सही है, क्योंकि बहुत बहुत जगह पे शार्प टर्न है और वो थोड़ा सा डेंजर है, बट सराउंडिंग रियली इट्स अनबिलीवेबल। तो अभी हम लोग फॉरेस्ट एरिया में ऑफ रोडिंग के लिए निकले हैं, काफ़ी डेंजर है बट इंजॉयबल है, और बहुत ही नया एक्सपीरियंस जाने वाला है स्लोली स्लोली। खूबसूरत सा जगह पे आया हूँ जहाँ पे बाइक रख के ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग। अभी वाटरफॉल के पास में हूँ, और काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल, 2:30 बजने को है। अब खाने के लिए अभी हम लोग निकल रहे हैं, खाने के लिए हम लोग बैठने जा रहे हैं। तो एक खूबसूरत सा लंच करने के बाद अभी हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। काफ़ी अच्छा रहा जर्नी, बट और समय चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अभी शाम के 6:30 बजे हुए हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर के आसपास गाड़ी अभी तक चला चुके हैं। चुका है, और ये
दादा को नींद आ गया तो सो गए, बट मुझे अभी भी नींद नहीं आ रहा है। मुझे अभी थोड़ा और वेट कर रहा हूँ, 5-10 मिनट फिर निकलेंगे और सुबह 4 बजे तक पहुँच ही जाएंगे।